बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महम कहानी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नॉवल को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और कमेंट पे अपनी कीमती राय ज़रूर दिया कीजिए। चलते हैं नॉवल की तरफ। अगले दिन बासित की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वो यूनिवर्सिटी नहीं गया था। अनाया अच्छा सा तैयार होकर यूनिवर्सिटी गई थी। वो बहुत खुश थी, शायद अमान उसकी मोहब्बत कबूल कर ले। अमान और हैदर बैठे थे कि वहाँ अनाया आ गई। हेलो अमान, वो खुश होते हुए बोली। अमान का दिल एक दफ़ा रुका कि वो इस मासूम का दिल ना तोड़े, लेकिन वो सिर्फ दोस्त समझता था और उसकी बचपन की मंगनी भी अपने कज़न के साथ हो चुकी थी। अनाया चलो मेरे साथ ये, पर कहाँ हैदर तुम भी चलो। तीनों एक रेस्टोरेंट में चले गए। अनाया यहाँ बैठो और मेरी बात गौर से सुनो। तुम मेरी दोस्त की बहन हो, मैं अपने दोस्त की बहुत इज्जत करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो मुझे गलत समझे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन मैं वादा करती हूँ अबान, वो आपसे कुछ नहीं कहेंगे। मैं खुद भाई से बात करूँगी। लेकिन अनाया मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मेरी बचपन की मंगनी हो चुकी है अपनी कज़न से, और मेरे घर वाले भी नहीं मानेंगे। प्लीज़ तुम इस रास्ते से हट जाओ। अनाया की आंखों में आंसू आए थे। आपने मेरा दिल तोड़ा है अबान, प्लीज़ ऐसा ना करें। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं आपके घर वालों के पांव पड़ जाऊँगी, लेकिन मुझे ना धुतकारें प्लीज़। अनाया तुम समझ क्यों नहीं रही, हैदर तुम ही समझाओ इसे। अनाया तुम मेरी बहनों जैसी हो, लेकिन प्लीज़ अबान की बात को समझो, वो तुमसे प्यार नहीं करता। एक दफ़ा शादी कर ले, प्यार खुद ही हो जाएगा। अनाया का लहजा लड़खड़ाया था। नहीं अनाया, अब मुझे सख्ती करने पर मजबूर ना करो, मैं अपने दोस्त की नज़रों में गिरना नहीं चाहता। प्लीज़ अबान। लेकिन अबान भी हिस बना उसकी बात को रद्द कर गया। अबान और हैदर चले गए थे इस मासूम का दिल तोड़कर। पीछे वो बैठा और उसके पीछे खातिम शेख की आंखों में बस पड़ गई थी। अब आएगा मज़ा जब एक दोस्त के हाथों ही अबान शाह मैं तुझे मौत दूंगा। वो नज़ारा वही कुछ और होगा। उसके बाद भी अनाया अबान के घर जाती रही और उसे मनाती रही। बासित को खुद पता ही नहीं चल सका मैं हूँ अनाया खान, वो अनाया खान जिसका भाई उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है। एक दफ़ा तो दिल किया कि भाई को बता दूँ, वो खुद ही मुझे अबान शाह दिला देगा। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ अगर भाई ने अबान को कुछ कर दिया तो मुझे मना कर दिया तो मेरा यकीन टूट जाएगा। भाई से मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। रोते हुए डायरी लिख रही थी, उसकी कई आंसू डायरी पर गिरे थे जिसकी वजह से वो गीली हो गई थी। मैंने अबान शाह से इश्क किया है, या तो आज अबान मुझे मिलेगा या मौत को गले लगा लूँगी, आज फैसला हो जाएगा। अबान आपने मेरा दिल तोड़ दिया है, उसने अपनी दोस्ती के लिए मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती हूँ। मोहब्बत झूठी नहीं होती तुमसे। अबान शाह गवाह है हर नमाज की दुआ। अनाया खान, उसने आज अबान का फेवरेट कलर ब्लैक कलर का सादा सा सूट पहना था और फिर से अपनी तस्लील करवाने जा रही थी। अबान तैयार हो रहा था जब वो उसके घर आई। हैदर अबान का नहीं, वो तैयार हो रहा है। अनाया अनाया तुम क्यों अपनी इज्जत दांव पर लगा रही हो, जब इश्क हो जाए तो बार बार अपने महबूब के हाथों तस्लील होने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इस तरह करने से महबूब मिल जाए तो मैं 100 दफ़ा करने को तैयार हूँ। हैदर के पास कुछ अल्फाज नहीं थे उसे समझा सके। हैदर अबान को बुला लाया। तुम फिर आ गई अनाया, मैं आखिरी बार आपसे अपनी मोहब्बत की भीख मांगने आई हूँ। अबान मुझे मेरी मोहब्बत दे दो। अबान के दिल को कुछ हुआ। ओके ठीक है अनाया, मैं सोचूंगा इस बारे में, मैं खुद बासित से बात करूँगा, लेकिन तुम अभी जाओ। सच में अबान आप बात करेंगे ना मेरे भाई से? हाँ अब तुम जाओ, रात हो रही है, तुम अपने घर जाओ। वो भी खुशी खुशी निकली थी। अभी वो थोड़ी ही दूर गई थी कि उसकी गाड़ी किसी ने रोकी थी और उसे नीचे उतारा था। इससे पहले कि वो कुछ बोलती उसे बेहोश कर दिया गया था। जब उसे होश आया तो वो अपना सब कुछ खो चुकी थी, अपनी इज्जत, अपने भाई का मान, गरूर सब खत्म हो चुका था। वो इस टाइम मर जाना चाहती थी, लेकिन क्या वो अमान के काबिल रही थी? वो बस सोच सकी थी। एक आदमी उसके पास आया तो वो डरते डरते पीछे होने लगी। कब कौन हो आप लोग, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, रोते हुए कहने लगी। लेकिन वो आदमी कुछ ना बोला और अपने आदमी को कहा कि इसे घर के बाहर फेंक दे। वो अब बहुत बड़ा खेल खेलना चाहता था। अनाया में इतनी ताकत नहीं थी कि वो मुज़ाहमत कर सकती। आदमी ने उसे इंजेक्शन लगाई और उसके घर छोड़ गए उसके कमरे में, ताकि किसी को कुछ पता ना चले। उसे जब होश आया तो अपने घर में थी। अब वो ज़िंदा नहीं रहना चाहती थी,
वो उठी और पंखे के साथ रस्सी लटकाकर वो खुद ही लटक गई। अब अनशन आया खान को आपसे इश्क है और हमेशा रहेगा, लेकिन मैं अब आपके क्या किसी के भी काबिल नहीं रही हूँ और मैं मर कर भी अपने भाई का सर नहीं झुका सकती हूँ। वो झूल गई थी, कई आंसू उसकी आंखों से निकले थे और फिर अनाया खान अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर गई थी। अनाया मेरे बच्चे, मेरी गुड़िया, देखो कहाँ हो तुम, देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा केक लाया हूँ, आसिद आवाज़ देता हुआ उसके कमरे में गया। आगे का मंजर देखकर उसकी चीख निकली और हाथों से केक गिरा था। अनाया मेरी गुड़िया, ये क्या किया तुमने, किसने किया? जल्दी से नीचे उतारा और उसके सर गोद में रखा। देखा उसकी सांसें मध्यम सी चल रही थी, जल्दी से उठाकर हॉस्पिटल लिए भागा। डॉक्टर ने सुसाइड के केस और ज्यादती का बताया तो बासित वहाँ ही बैठ गया, बुत बना बैठ गया। उसकी बहन के साथ इतना कुछ हो गया था और उसे पता ही नहीं चला। उसका दिल कर रहा था आज वो अपनी बहन की इज्जत ना बचाने के लिए अपनी जान ले ले। कैसा भाई था वो फूट फूट कर रो दिया था। अमान और हैदर भी आ गए थे, उन्होंने बासित को संभाला था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आया तो उसे आगे, डॉक्टर साहब मेरी बहन कैसी है? उनकी सांसें बहुत मध्यम चल रही हैं, वो अपने भाई को बुला रही हैं। बासित भागा अंदर गया। मेरी गुड़िया, मेरी जान, किसने ये हाल किया तुम्हारा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो रोते हुए बोला, भाई मुझे माफ़ कर दें, आपकी बहन अच्छी नहीं है, वो अड़कती हुई सांसों से बोली थी। किसने कहा कि तुम अच्छी नहीं हो? तुम बहुत अच्छी हो मेरी जान, प्लीज़ मुझे छोड़ कर मत जाओ। किसने किया है ये? मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा भाई। अपान वो उसे आखिरी दफ़ा देखना चाहती थी तो उसका नाम ले गई, अपान। अनाया ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन बासित गलत मतलब ले गया था, उसकी सांसें उलझने लगी थी। भाई अबान अबान, अनाया की सांस उखड़ने लगी थी। वो आखिरी दफ़ा अपने महबूब का दीदार करना चाहती थी, लेकिन वो एकदम साख्त हुई थी। बासित बाहर भागा और डॉक्टर को अंदर भेजा। बासित ने एक कहर भरी नज़र से अबान को देखा, मस्जिद की तरफ दौड़ा। या अल्लाह मेरी बहन को बचा ले, अल्लाह उसकी इज्जत ना सही, उसकी जान ही बचा ले, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। वो रोता हुआ दुआएं मांग रहा था, लेकिन कुछ दुआएं कबूलियत का दर्जा नहीं पा सकती। वो हॉस्पिटल गया तो वहाँ से उसे अनाया की मौत की खबर मिल चुकी थी, और एक चलता फिरता जीता जागता इंसान पत्थर का बना उसे अनाया की डेड बॉडी मिल गई थी। अबान ने उसके पास आया तो बासित ने उसे धक्का दिया, तुम हो मेरी बहन के कातिल, अबान जहाँ मैं तुम्हारा खून कर दूंगा, ये कैसी बातें कर रहे हो बासित? हैदर भी उसके पास आया, तुम दोनों ही गुनहगार हो, तुम दोनों ने मारा ही मेरी बहन को, ये क्या बकवास है बासित? हमें तो पता भी नहीं, तुम गलत समझ रहे हो बासित। वो दोनों तो हैरान थे कि बासित उन पर कैसे इल्ज़ाम लगा सकता है। आइंदा तुम लोग मेरे सामने आए तो अपने इन हाथों से मारूंगा तुम दोनों को। बासित हमारी बात तो सुनो, दफ़ा हो जाओ, तुम दोनों की शक्लें नहीं देखना चाहता मैं। तुम और अबान अपनी जान की परवाह किए बगैर बचाया, और तुम मेरी इज्जत पर हाथ मारा, तुमने मेरी इज्जत पर हाथ मारा, उसके साथ ज्यादती की, बकवास बंद करो बासित। अबान ने कुछ नहीं किया और तुमने इसकी जान बचाई है तो अबान ने, जबकि हैदर, अबान ने इशारा किया था, चुप करो हैदर, अबान ने इशारा किया। अबान और हैदर सदमे से घर वापस आ गए थे। अबान, यार अनाया तो हमारे घर से ठीक गई थी, वो खुश थी, फिर उसके साथ ज्यादती, और बासित हमें गुनहगार समझ रहा है, वो इतने सालों की दोस्ती से हमें समझ नहीं सका, वो कैसे ऐसे कह सकता है? बासित अनाया को लेकर घर आए, उसने अपनी बहन माया खान को भी बस एक दिन के लिए बुलाया था। वो माया खान को किसी की नज़रों में नहीं आने देना चाहता था, वो अपनी एक शहज़ादी को खो चुका था, दूसरी को नहीं खोना चाहता था। अनाया को दफना दिया गया। बासित घर में बैठा अनाया की तस्वीरें देखकर रो रहा था कि वहाँ दिलावर आ गया। बासित ने सर उठाकर देखा तो एक अनजान शख्स को अपने घर में देखकर हैरान हुआ। तुम्हारी बहन का सुनकर बहुत दुख हुआ है, लेकिन मुझे पता है अबान शाह ने तुम्हारी बहन के साथ क्या किया। क्या मतलब, आपको कैसे पता? मैंने तुम्हारी बहन को उसके घर से निकलते हुए देखा था, वो बहुत रो रही थी, जैसे उसके साथ किसी ने गलत किया हो। वो बेचारा बासित सदा का मासूम उनकी बातों में आ गया था। वो ऐसा ही पहले उसने मेरी भाई की बेटी के साथ भी ज्यादती की, और उसके दोस्त हैदर भी था, अब तुम्हारी बहन के साथ। बहुत ताकतवर है, उसके आगे पीछे गार्ड्स घूमते हैं, अगर हम दोनों मिल जाएं
तो उससे बदला ले सकते हैं। बस इतने दिलावर शेख से हाथ मिला लिया था और अपने जिगरी यार को ख़त्म करने के लिए। यहाँ से वो बासित खान से पाशा बना था। वो गफलत में पड़ गया था। उसका कहना था कि अल्लाह तो कर सकता था ना, उसने अनाया को अनाया की जान क्यों नहीं बचाई। अब उसे क्या पता कि जो खुद ही जीना नहीं चाहते उसके उसको कोई कैसे बचा सकता है। बासित, मैंने अनाया के साथ कुछ नहीं किया था, वो मुझसे प्यार करती थी लेकिन मैंने मना कर दिया था। वफा और जन्नत की आंखों में भी आंसू आ गए थे। बासित की बहन के साथ इतना कुछ हो गया था। अभी वो कुछ और कहना कि बासित के मोबाइल पर कॉल आई। वो कॉल ना उठा था लेकिन जिस बंदे को सोनिया की हिफाजत के लिए रखा था उसकी कॉल थी। उसने जल्दी से कॉल उठाई और जो उसको खबर सुनने को मिली थी उसकी आंखें सुर्ख होने लगी जैसे खून निकलने वाला हो। कुत्तों, तुम लोगों को किस लिए रखा था? तुम सोनिया की हिफाजत नहीं कर सके? वफा के कान सोनिया का नाम सुनकर खड़े हुए थे। मैंने तुम लोगों को सोनिया की ही हिफाजत के लिए रखा था और वो कबीर तुम्हारी आंखों के सामने मेरी सोनिया को ले गया। जन्नत की आंखों में आंसू आ निकले थे कि उसका शौहर अभी भी सोनिया से प्यार करता है। क्या हुआ भाभी को? वफा भी जल्दी से आगे हुई थी। भाभी? जन्नत हैरान हुई। हाँ, सोनिया मेरी भाभी है। वासिद भाई, उस दिन आपने मेरी भाभी सोनू को खून दिया था और आपको याद होगा मैं वहीं थी। ओ, तो तुम उमर की बहन हो? हाँ, याद आया। एक बात याद रखना वफा, तुम्हारा भाई उमर फिर से सोनिया का ख्याल नहीं रख पाया। इस दफ़ा सोनिया को कुछ हुआ तो उमर को छोड़ूंगा नहीं, मैं भी साथ चलता हूँ। अबान ने जल्दी से कहा तो बासित मना नहीं कर पाया। जन्नत और वफा ने भी कहा साथ चलने का। जन्नत नकाब किया तो सब चले गए। बासित के आदमी उसका पीछा कर रहे थे। उमर घर आया तो सकीना बेगम को खून में लथपथ बेहोश पाया। अम्मा अम्मा, क्या हुआ है आपको? लेकिन वो तो बेहोश थी। सोनिया सोनिया, उसे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ था। उसने पूरा घर देखा लेकिन सोनिया कहीं नहीं थी। उसने पागलों की तरह जल्दी से फ़ोन निकाला और सोनिया की लोकेशन ट्रेस की और जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल की। सकीना बेगम को हॉस्पिटल पहुँचाया और ख़ुद सोनिया को लेने चला गया। कबीर, तुमने अब मेरी सोनिया को ले जाकर अच्छा नहीं किया। तुम्हें अब ऐसी मौत दूंगा कि तुम सांस लेने के लिए भी तड़पोगे। वफा तो बस परेशानी से दुआएं मांगती जा रही थी। आज इस कबीर की मेरे हाथों मौत लिखी है। आज वो पाशा का वो रूप देखेगा कि उसकी रूह कांप जाएगी। प्लीज़ प्लीज़ कबीर, छोड़ो मुझे। कबीर ने उसे लाकर कुर्सी से बांध दिया। वो अब ज़्यादा हिल नहीं पा रही थी। तुम्हें पता है, तुम्हारी इस खूबसूरती को मेरी ज़रूरत है। तुम खूबसूरत ही बहुत हो, वरना वो उमर और वो पाशा तुम्हारी मोहब्बत में ना पड़ते। उस पाशा ने तुम्हारी वजह से मेरी कज़न को मार दिया। अब उसके प्यार को मार कर अपना बदला लूँगा। पहले तुम्हारी खूबसूरती से फ़ायदा तो उठा लूँ। सोनिया को कबीर से घिन आ रही थी उसकी बातों से। कबीर, प्लीज़, मैं तुम्हारी भाई के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल ले चलो। अभी वो कुछ और कहती कि पाशा खान वहाँ आया था। कबीर, पाशा धाड़ा था। कबीर तो पाशा को वहाँ देखकर कबीर को सांप सूंघ गया था। पाशा, तुम यहाँ? हाँ, तुम्हारी मौत ही मुझे यहाँ खींच लाई है। पाशा ने सोनिया को देखा जिसकी हालत ख़राब हो रही थी। तब तक उमर भी वहाँ पहुँच गया था। वफा ने तो सोनिया को खोला और वहाँ पड़े बेड पर बिठाया। सोनू, तुम ठीक हो ना? सोनिया ने सर हाँ में हिलाया। सोनिया सोनिया, उमर भी वहाँ आ गया था। तुम ठीक हो ना उमर? मैंने कहा था मेरी मोहब्बत, सोनिया का ख्याल रखना, मगर तुम नहीं रख सके। तुम इस काबिल ही नहीं कि सोनिया तुम्हारे पास रहे। मैं ही हूँ जो सोनिया का ख्याल रख सकता हूँ। महीनों से मेरे बंदे तुम्हारे घर के बाहर इसकी रखवाली कर रहे हैं और तुम उसके घर के अंदर इसके पास रह कर भी उसका ध्यान ना रख सके। जन्नत को तो शौक पर शौक मिल रहे थे। क्या वो इतना प्यार करते थे कि उसकी रखवाली भी करते हैं? कबीर, उनकी बातों में लगाकर सोनिया पर गोली चलाई थी। बुलबुल, अगर तुम मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं। गोली चली थी और ठा की आवाज़ से वहाँ सन्नाटा छाया था। एक टाइम पर 3 गोलियां चली थी। सोनिया तो सामने खून में लथपथ बासित को देख रही थी जो फिर से उसकी गोली खुद पर ले चुका था। बासित और उमर की गोलियों से कबीर के सर पर और सीने पर कबीर और सोनिया उमर की गोलियां उसके कबीर के सीने पर लगी थी जो कि गिर कर मौके पर ही मर गया था। उसका अंजाम भी बुरा हुआ था। बासित जन्नत भागते हुए उसके पास आई थी। बासित मेरे यार, ये क्या किया तुमने? अबान को वो 5 साल पहले वाला वाक्या याद आया था।
बाजी सोनिया भी सकते में थी। उमर, अगर मैं ज़िंदा रहा ना तो सबसे पहले काम मैं तुम्हारा तमाम करूँगा, और सोनिया को तुम्हारी ज़रूरत नहीं, उसे हॉस्पिटल ले जाओ। वो दर्द में है, सोनिया का ख्याल कर रहा था उसे, वो दर्द में होकर भी सोनिया का ख्याल कर रहा था, उसे लेकर जाओ हॉस्पिटल, उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, वो अड़कते हुए बोला था। उमर ने जल्दी से सोनिया को उठाया और अबान ने बासित को उठाया, दोनों को ही हॉस्पिटल ले जाया गया था। जन्नत तो बस सकते में बैठी थी कि उसके शोहर ने किसी और की गोली खा कर खा ली और अपनी जान खतरे में डाली थी, और एक दफ़ा भी जन्नत के बारे में नहीं सोचा था। सब लोग सोनिया और उसके बच्चे के लिए दुआगो थे। कबीर की लाश को पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। इस टाइम हॉस्पिटल में तीन लोग एडमिट थे, सकीना बेगम, बासित और सोनिया। सकीना बेगम का ऑपरेशन करके जब डॉक्टर बाहर निकले तो वफा और उमर उनकी तरफ गए। डॉक्टर साहब, मेरी अम्मी कैसी हैं? सॉरी बेटा, उनका खून बहुत ज़ाया हो गया है जिसकी वजह से उनका जिस्म सारा पैरालाइज हो गया है, वो शायद अब कभी चल ना पाए। ये खबर उन पर किसी क़यामत से कम नहीं थी। उमर भाई, हमारे घर को किसकी नज़र लग गई? ये क्या हो गया हमारे साथ? सोनू की भी कोई खबर नहीं आ रही है? तुम फिक्र नहीं करो गुड़िया, सब ठीक हो जाएगा। चलो आओ, सोनी और बासित के पास चलते हैं। अबान, वफा, उमर, बस तीन लोगों के दरमियान घुनचक्कर बने हुए थे। डॉक्टर, मेरी बीवी कैसी है? देखिए, अभी हम कुछ कह नहीं सकते, उनका बहुत बीपी हाई हो गया था, कवर नहीं हो रहा, बस दुआ करें। उमर परेशानी से सर पर हाथ फेरने लगा। वफा जन्नत के पास बैठी थी। जन्नत, तुम परेशान ना हो, बासित भाई ठीक हो जाएंगे। कैसे परेशान ना हूँ मैं वफा, मुझसे उनकी हालत नहीं देखी जा रही थी, उनको गोली लगी थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उनकी गोली, काश मुझे लग जाती। तुम दुआ करो ना वो ठीक हो जाए, मैं नहीं रह सकती हूँ बासित के बगैर, नहीं रह सकती, वो ठीक हो जाएंगे। जन्नत, वफा खुद भी बहुत परेशान थी। बासित की तरफ से डॉक्टर कोई जवाब नहीं दे रहे थे। अभी तो मुझे मेरा दोस्त वापस मिला था, अब उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? हैदर भी अबान के पास आ गया था। अबान ने हैदर को बताया कि वो गलतफहमी में जी रहा था, लेकिन अभी तक अनाया के गुनहगार का पता नहीं चला था। नसीम बेगम से अपनी बेटी की हालत देखी नहीं जा रही थी। आज उन्होंने फैसला किया था कि वो जमल से बात करेंगी। वो उसके कमरे में गई तो वो सामने बेड पर ही बैठी मोबाइल में शाजिम की तस्वीरें देखकर बातें कर रही थी। ए लड़की, तुम आखिर चाहती क्या हो? क्यों मेरी बच्ची की ज़िंदगी ख़राब कर रही हो? उन दोनों को अलग कर रही हो? अरे आंटी, सांसों ने एकदम से आकर मुझ पे मासूम पर शुरू हो गई हैं, मैं तो कुछ नहीं चाहती सिवाय आपकी बेटी की मौत और शाजिम की। नसीम बेगम का हाथ दिल पर गया था अपनी बेटी की मौत का सुनकर। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी बेगैरत लड़की, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रही हो, हम सब तुम्हें बच्ची समझते रहे और तुम ये खेल खेल रही हो। हाँ तो क्या हुआ? मैं बस चाहती हूँ मैं इस हवेली में रहूँ, इस हवेली की बहू बनकर। तुम मेरी बेटी की ज़िंदगी पर बात नहीं कर सकती, आप रोकेंगी मुझे? रोकेंगी कैसे? वो गुस्से से चीखी थी। हाँ मैं रोकूंगी, तुम्हारी सच्चाई सबको बताऊंगी। अच्छा, आज तक उस नैन की बात पर तो किसी ने यकीन नहीं किया, आपको क्या लगता है आपकी बात पर यकीन करेंगे? हाँ मुझ पर ना सही, इस मोबाइल की रिकॉर्डिंग पर तो यकीन करेंगे ना। नसीम बेगम जमल के आगे मोबाइल लहराते हुए बोली। जमल का एक दफ़ा रंग उड़ा था, जमल ने सब कुछ उगल दिया था। अब देखना मैं कैसी सच्चाई सबके सामने लाती हूँ तुम्हारी। अरे आंटी, आप यहाँ से सही सलामत जाएंगी तो सबको बताएंगी ना? जमल ने उनसे मोबाइल छीनने की कोशिश की। नसीम बेगम ने जमल को धक्का दिया और बाहर को भागी। जमल भी जल्दी से उनके पीछे भागी थी। अभी नसीम बेगम सीढ़ियों के पास पहुँची थी कि जमल ने उन्हें धक्का दिया, और जबकि नैन अपने कमरे से निकल रही थी उसने जमल को धक्का देते हुए देख लिया। अम्मी, नैन की चीख निकली थी। जमल भी एक दफ़ा सकते में आ गई थी और नसीम बेगम को सीढ़ियों से गिरता देख कर रही थी। ये क्या किया तुमने जमल? मेरी माँ को धक्का दे दिया। सब जल्दी से आगे बढ़े थे। शाजिम भी हॉस्पिटल से वापस आ गया था, उसने भी नसीम बेगम को खून में लथपथ दिखा था, मोबाइल टूटकर टुकड़ों में तकसीम हो गया था। अम्मी अम्मी उठें, अम्मी आपको कुछ नहीं होगा, शाजिम जल्दी से उठाओ नसीम को, हॉस्पिटल लेकर चलो।
राजी बोले थे। शाजिम ने जल्दी से उन्हें उठाया और हॉस्पिटल ले गया। वहाँ सब ही गए थे सिवाय जवल के। अगर उनको होश आ गया तो सबको बता देंगी मैंने धक्का दिया है। वो अभी भी बेहिस बनी अपना ही सोच रही थी। डॉक्टर साहब मेरी बीवी कैसी है? मुबारक हो, आपकी बीवी भी ठीक है और आपकी बेटी हुई है, शुक्र है अल्लाह का। उमर जल्दी से सजदे में गया था। वफा भी खुश होते हुए अमान के गले लगी थी। भाई वो उमर को उठाने लगी। मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा डॉक्टर, हम कब तक मिल सकते हैं? बस थोड़ी देर में दूसरे रूम में शिफ्ट कर देंगे, तब आप अपनी बीवी से और बेटी से मिल लीजिएगा। मुबारक को वफा जन्नत भी बोली थी। जन्नत परेशान ना हो, अल्लाह सब ठीक करने वाला है, सब ठीक होगा। थोड़ी देर बाद बासित के रूम से भी डॉक्टर बाहर आया। डॉक्टर मेरे शोहर कैसे हैं? जन्नत फ़ौरन से आगे हुई थी। आपके शोहर अब ख़तरे से बाहर हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपको जन्नत क्या आँख जन्नत की आँखों से आंसू निकलने लगे थे। देखा जन्नत, मैंने कहा था ना बासित भाई भी ठीक हो जाएंगे। सोनिया और बासित को भी अलग अलग रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। सबसे पहले सब सोनिया की तरफ गए थे जो कि बस गोद में अपनी बेटी को लेकर देख रही थी।